नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार लोक सेवा ने CDPO परीक्षा की जारी की तारीख। यूपी के बाद अब बिहार में बनेगा विराट रामायण मंदिर। जांच के लिए पटना पहुंची पावर कमेटी ने NTPC परिणाम से नाराज छात्रों से की मुलाकात। बिहार में पुलिस पदाधिकारियों पर हो रहे हमले पर बोले ADG। द ओरिजिन में धोनी का महादेव लुक आया सामने। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा ने CDPO परीक्षा की जारी की तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग ने कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए बीते दिन बिहार लोक सेवा आयोग CDPO प्रारंभिक परीक्षा के लिए नई संभावित तारीख की घोषणा कर दी है, जिसके तहत इस परीक्षा का आयोजन 15 मई को होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पहले ये परीक्षा 6 फरवरी को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब मई महीने में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर परीक्षा की नई संभावित तारीख की जानकारी साझा कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि CDPO के 50 पदों के लिए 1,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे इशिता शर्मा की। इशिता शर्मा का जन्म बिहार के गया जिले में हुआ था। इशिता शर्मा एक भारतीय अभिनेत्री, कथक नृत्यांगना, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने स्कूल में रहते हुए थिएटर और टेलीविजन के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। शाकला का बूम बूम जैसे बच्चों के शो के साथ और बाद में 2007 की अंग्रेजी फिल्म लॉइंस ऑफ पंजाब प्रेजेंट्स से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। दिल दोस्ती आदि और शाहरुख खान की दूल्हा मिल गया जैसी फिल्मों में काम करने के साथ इशिता ने मनोविज्ञान और साहित्य में आगे की पढ़ाई के रूप में अपने कथक प्रदर्शन को जारी रखा और मानव विकास में मास्टर डिग्री भी हासिल की। बाद में वो कुछ तो लोग कहेंगे श्रृंखला में अंजी के रूप में टेलीविजन पर चली गई और जय भानुशाली के साथ डांस इंडिया डांस सीजन 4 में सह एंकरिंग भी करती देखी गई थी। बिहार में केवल इतने ही लोगों का बना आयुष्मान कार्ड, लेकिन बिना कार्ड के ही करवा सकेंगे इलाज। बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत हाल ही में 34 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनाने का काम अब तक किया जा चुका है। राज्य में केंद्र और राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 5 लाख रूपये तक के स्वास्थ्य जाँच और इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो राज्य में 1,08,85,000 लाभुक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान किया जाता है। सभी लाभुक परिवारों और व्यक्तियों को बीमार होने पर बिना कार्ड के भी तत्काल इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश सभी अस्पतालों को दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में कुल लक्ष्य का अब तक 31.5% परिवारों को ही इस योजना से जोड़ा जा चुका है। यूपी के बाद अब बिहार में बनेगा विराट रामायण मंदिर। महावीर मंदिर न्यास की तरफ से केसरिया के पास निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर 250 साल से ज्यादा का हो सकता है। इसको लेकर मंदिर के स्ट्रक्चरल डिजाइन में विशेष बदलाव किए जा रहे हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पूर्व महानिदेशक विनीत कुमार जायसवाल को विराट रामायण मंदिर का मुख्य परामर्शी तकनीकी सेवाएं बनाया गया है। उनके सुझाव पर मंदिर की स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सर्वोच्च पद में हाल ही में सेवानिवृत्ति हुई है। विनीत जायसवाल नए संसद भवन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन न्यूनतम 250 वर्ष की आयु के अनुसार तैयार की गई है। इसको लेकर महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि पूर्व में विराट रामायण मंदिर की स्ट्रक्चरल डिजाइन न्यूनतम 100 साल की मजबूती के हिसाब से तैयार की गई थी। आने वाले समय में इसके ज्यादा क्षमता होगी। नीतीश ने की शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में शिक्षा मंत्री भी पहुंचे थे, जिसके साथ ही इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि 2006 के बाद से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए गए हैं। बड़ी संख्या में विद्यालय शिक्षा समितियों के माध्यम से विद्यालयों का निर्माण भी करवाया गया है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अब सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। इससे छात्र छात्राओं को अपने पंचायत में ही उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिल सकेगी। राज्य में अब मैट्रिक की परीक्षा में छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा हो गई है। बिहार में अभी ठंड से राहत नहीं, कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार में अभी ठंड की मार देखने को मिलने ही वाली है, क्योंकि पटना समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो बारिश को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही आज भी पटना समेत कई जिलों में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं 4 फरवरी की ही बात करें तो जमुई, मुंगेर, बांका, कटिहार समेत अन्य जिलों में गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में 3 और 4 फरवरी को निचले क्षोभ मंडल स्तरों पर पश्चिमी हवाओं और पुरवैया के बीच संगम के कारण बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों में अलग अलग जगह ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना पहले ही जता दी गई थी।
बिहार और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेनें हो गई रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार की माने तो पूर्व मध्य रेलवे की रद्द की गई ट्रेनों में प्रयागराज जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन मेमू 17 से 28 तक, अजमेर राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस 11, 18 और 25 फरवरी को, राजेंद्र नगर टर्मिनल अजमेर एक्सप्रेस 9, 16 और 23 फरवरी को, आनंद विहार टर्मिनल भुवनेश्वर एक्सप्रेस 7, 14, 21 और 28 फरवरी को, भुवनेश्वर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 5, 12, 19 और 26 फरवरी को, अहमदाबाद पटना क्लोन स्पेशल 23 फरवरी को, पटना अहमदाबाद क्लोन स्पेशल 25 को, बैंगलोर सिटी दानापुर क्लोन स्पेशल 21 को, बैंगलोर सिटी दानापुर क्लोन स्पेशल 21 फरवरी को रद्द किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे के नैनी और प्रयागराज छिवकी के मध्य तिहरी लाइन की कमिश्निंग हेतु प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। सरकार टेक्सटाइल ने निकाली रिक्तियां। भारत सरकार टेक्सटाइल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सचिवालय सहायक उत्कीर्णन कनिष्ठ बुलियन सहायक कनिष्ठ टेक्नीशियन के कुल मिलाकर 15 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिक, ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, टर्नर, गोल्डस्मिथ, रत्न और आभूषण में डिप्लोमा या अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के अच्छे ज्ञान के साथ स्नातक या ललित कला में स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 1 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट igmmumbai.spmcil.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। डीएलएड अभ्यर्थियों का पैसा वापस करेगा बिहार बोर्ड। बिहार के सभी डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के आवेदकों का परीक्षा शुल्क वापस करने जा रहा है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से उनका विवरण मांगा है, जिसके बाद ही अब सभी अभ्यर्थियों को 18 फरवरी तक अपना पूरा विवरण उनके बैंक खाते के साथ बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करना है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विवरण अपलोड होने के बाद ही बोर्ड द्वारा आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा। हालांकि बोर्ड की माने तो निर्धारित तारीख के बाद किसी भी माध्यम से परीक्षा पर आवेदन देने पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। जांच के लिए पटना पहुंची पावर कमेटी ने एनटीपीसी परिणाम से नाराज छात्रों से की मुलाकात। रेलवे, RRB, एनटीपीसी की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला हाल ही में सामने आया था, जिसको लेकर ही छात्रों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर देखने को मिला था, जिसकी जांच करने ही बीते दिनों रेलवे भर्ती बोर्ड की हाई पावर कमेटी पटना पहुंची थी, जिसके बाद बीते दिन कमेटी ने छात्रों से मुलाकात की। इस उच्चाधिकार समिति में अध्यक्ष के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्यरत प्रधान कार्यकारी निदेशक दीपक पीटर, सदस्य सचिव के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्यरत कार्यकारी निदेशक स्थापना राजीव गांधी, जबकि सदस्य के रूप में 3 लोगों को नामित किया गया है। इसमें पश्चिम रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी आदित्य कुमार, रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई के अध्यक्ष जगदीश अलगर और रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल के अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता का नाम शामिल है, जिसके बाद ही छात्रों से उनकी परेशानी से सभी अधिकारी अवगत हुए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दुर्दशा पर चिंतित दिखा हाईकोर्ट। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक घर समेत उनसे संबंधित अन्य स्मारकों की बदहाली को लेकर बीते कई दिनों से पटना हाईकोर्ट राज्य से लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन एक बार फिर से सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना और सिवान के डीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसी दौरान पटना के डीएम और नगर आयुक्त और याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास कुमार, सरकारी अधिवक्ता और बिहार विद्यापीठ के वकील श्यामा सिंह को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े स्मारक यानी कि पटना स्थित बांसघाट पार्क और सदाकत आश्रम की बदहाल स्थिति के निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों से भी संपर्क साधने का आदेश दिया गया है। का लैंडलाइन मिला खराब तो नपेंगे थानाध्यक्ष। बिहार के सभी थानों में लैंडलाइन की सुविधा दी गई है, लेकिन ऐसी कई शिकायतें अब तक सामने आ चुकी है, जिसमें ये कहा गया है कि बिहार के कई थानों में लैंडलाइन फोन खराब है, लेकिन अब फोन खराब होने का खामियाजा सभी थानाध्यक्षों को ही झेलना पड़ेगा। इस बाबत पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि सभी थानों में हर हाल में लैंडलाइन फोन चालू रखना है। अगर किसी थाने में ये काम नहीं हुआ तो संबंधित थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के SP को भी कहा गया है कि वो निरंतर लैंडलाइन पर फोन करके थानाध्यक्ष से केस की समीक्षा को कर बात करते रहे, ताकि अलर्ट मोड पर काम होता रहे और लोगों की शिकायत फोन पर आने पर तुरंत समुचित रिस्पांस लिया जा सके।
बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव रहे अंजनी कुमार सिंह को एक बार फिर से नीतीश सरकार उन पर मेहरबान नजर आ रही है। यही कारण है कि उन्हें बिहार म्यूजियम का महानिदेशक बना दिया गया है, जिसके बाद ही बीते दिन ही उन्होंने बिहार म्यूजियम के महानिदेशक पद के कार्यभार को भी संभाल लिया। वो पहले से ही बिहार के मुख्यमंत्री के परामर्शी बने हुए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम का महानिदेशक पद पर बिठाने के लिए सरकार ने 5 दिन पहले ही नियम बदले थे। पिछले शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार म्यूजियम की सारी नियमावली ही बदल दी गई थी। अब तक सरकारी व्यवस्था ये थी कि बिहार म्यूजियम के शासी निकाय के अध्यक्ष सूबे के विकास आयुक्त होते थे, लेकिन अब नियम में बदलाव हो गया है। बिहार के इस जिले में अब मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज होगा भूमि विवाद। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के कारण ही अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसे में अब बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने की बात कहती रही है। ऐसे में ही बिहार के 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम जारी है, जिसमें ये पता चल पाएगा कि प्लॉट का मालिक कौन है और उस प्लॉट का माप कितना है। हालांकि बिहार सरकार सरकारी जमीन की माप को लेकर नए नए तकनीक का इस्तेमाल भी करना चाह रही है, जिससे ही यह काम और भी आसान हो सके। बिहार के नवादा जिले में भूमि विवाद मामले के निपटारे के लिए सभी अंचलों के पंचायतों में निश्चित तारीख निश्चित कैंप लगाकर लोगों की शिकायत दर्ज हो रही है। बता दें कि बिहार में यह पहली बार किया जा रहा है। नवादा में भूमि विवाद को निपटाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में यह प्रोजेक्ट 24 जनवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक चलाया जाएगा। में पुलिस पदाधिकारी पर हो रहे हमले पर बोले एडीजी, बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले पुलिस कर्मियों की ही होती है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें पुलिस पदाधिकारी ही लोगों के हाथे चढ़ गए हैं। बीते कुछ समय से पुलिस पदाधिकारियों पर ही हमलों की वारदात भी बढ़ गई है, जिसको लेकर प्रशासन भी परेशान है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में लगातार पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला हो रहा है। साथ ही साथ ये हाल ही में औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना में पदस्थापित एसआई वीरेंद्र पासवान पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और पर्याप्त कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ झील को राष्ट्रीय पहचान देने की उठी मांग। बीते दिन विश्व प्रसिद्ध रामसर साइट कांवड़ झील पक्षी विहार के विकास को लेकर के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने सदन में फिर से आवाज उठाई है। उन्होंने शून्यकाल के दौरान रामसर साइट से जुड़े मुद्दे को उठाया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीठे पानी का झील जो विश्व स्तरीय रामसर साइट में शामिल है, इस जैव विविधता वाले कांवड़ क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर चौथी बार सदन में शून्यकाल में प्रश्न राकेश सिन्हा के द्वारा उठाया गया, जहां उन्होंने कहा कि किसान मछुआरे और अन्य हितधारक का ध्यान रखा जाए। राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर किसानों की समस्या को सुलझाने का काम करे, साथ ही इस झील को राष्ट्रीय पहचान भी मिले। बिहार में अप्रैल में लागू हो सकती है बिजली की नई दरें। यह साल बिजली बिल के लिहाज से काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि उम्मीद है कि बिहार में अप्रैल महीने से बिजली की नई दरों को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय आना बाकी है, क्योंकि वर्तमान समय में बिहार विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से यह सुनवाई की जा रही है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए आयोग की तरफ से सुनवाई को ऑनलाइन किया जा रहा है। 3, 8 और 15 फरवरी को आयोग की तरफ से सुनवाई की जाएगी। इसके आधार पर आयोग ने बिहार में बिजली की नई दरों की घोषणा करने की बात कही है। जल्द ही नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी की और फिर उसके बाद 15 फरवरी को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी और 8 फरवरी को पावर ट्रांसमिशन कंपनी, बिहार ग्रिड कंपनी और एसएलडीसी से जुड़े लोग जनसुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल महीने से बढ़ी हुई दरों को लागू किया जाएगा। अस्पतालों में हो रही मौत का पता लगाएगी ऑडिट टीम। कोरोना की तीसरी लहर बिहार में देखने को मिल रही है। हालांकि इस लहर में अब तक कितने लोगों की जान गई है और लोगों की जान जाने की वजह क्या है, इसका पता स्वास्थ्य विभाग लगाने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए देश के सभी राज्यों को ऑडिट करने का निर्देश जारी किया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच और पटना एम्स के अलावा निजी अस्पतालों में कोविड 19 से जान गंवाने के लिए ऑडिट समिति का गठन होगा। यही नहीं, कोविड मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों को भी कोरोना से हो रही मौत की जानकारी देनी होगी। इसके लिए अलग से एक नोडल अधिकारी तैनात करने को कहा गया है। पटना में मार्च तक 7 और सीएनजी स्टेशन होंगे चालू। बिहार में सीएनजी स्टेशनों को लेकर एक बार फिर से अपडेट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पटना में सीएनजी स्टेशनों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि गेट इंडिया फरवरी के अंत तक 5 और मार्च में 2 नए सीएनजी स्टेशन शुरू करने की तैयारी में जुटी हुई है। बता दें कि कुछ तकनीकी काम बाकी है। इस तरह मार्च तक पटना जिले में 20 सीएनजी स्टेशन होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने सीएनजी स्टेशन को लेकर दानापुर इलाके में जगह को चिन्हित भी कर लिया है। हालांकि अभी तक जमीन हस्तांतरित नहीं किया गया,
जिसके कारण प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। ऐसे में बसों को सीएनजी भरवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पटना में 17,000 से अधिक सीएनजी ऑटो रिक्शा चल रहा है, साथ ही 70 सिटी बसों का संचालन भी किया जा रहा है। तेज प्रताप ने किया दावा, 4 दिन बाद राजद का दामन थामेंगे ये बड़े चेहरे। बिहार में दल बदल की राजनीति आम बात है, आए दिन कई दल के बड़े चेहरे एक दूसरे के दल में शामिल होते रहते हैं। इन सब के बीच राजद नेता तेज प्रताप यादव ने बीते दिन बड़ा दावा किया है, जिसके तहत बीते दिन एनडीए में मुकेश सैनी की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि उनसे मेरी बात लगातार हो रही है, मुकेश सैनी मेरे छोटे भाई हैं, मुकेश सैनी राजद के साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में आएंगे, 4 दिन का इंतजार है, 4 दिन बाद सभी राजद के साथ आएंगे। हालांकि तेज प्रताप के इस बयान के बाद आगे राजनीतिक गलियारे में कैसी प्रतिक्रियाएं आती है कैसी नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों पर जदयू मांगेगी वोट। कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने वाला है, हालांकि उससे पहले ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जदयू भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है। यही कारण है कि आगामी चुनाव में जदयू किन किन मुद्दों पर वोट मांगेगी, इसकी जानकारी बीते दिन साझा की गई। जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की माने तो जदयू उत्तर प्रदेश में विकास के नीतीश मॉडल के नाम पर जनता से वोट मांगेंगे, साथ ही शराबबंदी का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से उठेगा। नीतीश कुमार ने बिहार में जो विकास का मॉडल तैयार किया उसकी चर्चा देश भर में होती है, इसीलिए जदयू ने तय किया है कि नीतीश कुमार के विकास मॉडल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जदयू चुनावी मुद्दा बनाकर जनता से वोट मांगेगा। पटना पहुंचते ही नीतीश सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी। लंबे समय बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने बीते दिन पटना पहुंचते ही सीएम नीतीश पर आरोपों की बौछार कर दी, जिसके तहत इन्होंने बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाला। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हम लोग शुरू से ही करते रहे। उन्होंने कहा कि जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी तब से हम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, अब ये लोग किससे विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा देगा कौन, पहले ये बताना चाहिए ये देने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति दर्जा नहीं देंगे, खुद सरकार में भागीदार हैं तो किससे मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पटना के बालिका गृह कांड को भी काफी निंदनीय बताया है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। शाहजहां को आगरा का सम्राट 1628 में आज के दिन घोषित किया गया। लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक 1881 में आया था। 4 फरवरी 1920 को लंदन और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले विमान सेवा की शुरुआत हुई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन समय हुआ चौरा कांड 1922 को हुआ। महात्मा गांधी को खराब स्वास्थ्य के कारण 1924 में बिना किसी शर्त के मुंबई जेल से छोड़ दिया गया। आरएसएस ने 1948 में रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयता पर बैन लगा दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच 1953 में कश्मीर के मुद्दे पर पहली बार बात हुई थी। 1938 में देश के मशहूर कथक कलाकार बिरजू महाराज का जन्म आज के दिन हुआ था। 1974 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का जन्म हुआ था। 1934 में भारत के देशभक्त मधुसूदन दास का निधन हुआ था। आज के दिन को विश्व कैंसर दिवस चौरी चौरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। में धोनी का महादेव लुक आया सामने। क्रिकेट की दुनिया के सरताज माने जाने वाले धोनी अब जल्द ही बड़ा धमाल करने वाले हैं। खेल के मैदान में तो सबने धोनी का लोहा माना ही, अब खेल के मैदान से अलग एक नई पारी की शुरुआत उन्होंने कर दी है। धोनी का एक नया ग्राफिक नॉवेल आ रहा है, जिसका फर्स्ट लुक कप्तान कूल ने शेयर कर दिया है। इस टीजर में धोनी के लुक को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। इसको लेकर धोनी ने खुद अपनी फेसबुक वॉल पर अपने ग्राफिक नॉवेल अथर्व द ओरिजिन का टीजर शेयर किया है। इसमें वो बतौर अथर्व नामक सुपर हीरो नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही धोनी ने इसकी झलक सोशल मीडिया पर शेयर की, देखने वालों की भीड़ लग गई। माही का नया अवतार देखकर उनके फैंस के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और वो इसे जमकर लाइक भी कर रहे हैं। फैंस अब बस इस नॉवेल के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। 17 साल में पहली बार फेसबुक के घटे यूजर, कंपनी ने लगाए आरोप। मेटा की तरफ से जारी तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने 2021 की चौथी तिमाही में पिछली तिमाही के आधार पर आधा मिलियन यानी कि करीब 5 लाख ग्लोबल डेली यूजर को खो दिया है। साल 2004 में शुरू की गई फेसबुक के लिए यह पहला ऐसा मौका है जब उसके डेली एक्टिव यूजर में इतनी बड़ी गिरावट आई है। इस दौरान कंपनी के मुनाफे में भी गिरावट देखने को मिली है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए यूजर ग्रोथ भी ना के बराबर रही। मेटा के लिए 2021 कई विवादों में घिरा हुआ भी रहा था। मेटा के तिमाही फाइनेंशियल रिजल्ट में कहा गया है कि कंपनी का परफॉर्मेंस एनालिस्ट के उम्मीदों से खराब रहा, जिसके बाद ही कमाई उम्मीद से कम रहने के पीछे मार्क जकरबर्ग ने एप्पल को भी जिम्मेदार बताया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ सुमन, अब्दुल्लाम कन्हौली, प्रिया यादव, मनीष कुमार, रूपेश कुमार, दानिश शर्मा, रामबाबू कुमार, दिव्यांशु कुमारी, नुन्नू कुमार, शिवानी सिंह, सोहन कुमार, जूही सिंह, अनवर करीम खान, नरेश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे।
हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस महीने पेश होने वाले बजट में किस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा राशि दिए जाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।